अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है, तो सबसे पहले आप सब लोग को मेरी तरफ से ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से आप लोग को ईद मुबारक। तो अभी तक हम लोगों ने ईद नमाज नहीं पढ़ा है, अभी तैयारी है ईद नमाज के लिए, तो बस फुल एक्साइटेड है। ईद भी माशाल्लाह आज ईद का दिन है। तो यहाँ का हमारा जो रिवाज होता है, किस तरह करते हैं अपना प्रोग्राम्स, तो वो सब आप लोग को इंशाल्लाह आज हम इस व्लॉग में आप लोग को दिखा देंगे। तो आज हमें सबसे पहले जाएंगे, ईद नमाज पढ़ेंगे, ईद नमाज के बाद फिर आएंगे घर वालों को ईद मुबारक की, और फिर कज़न वगैरह इधर यहाँ पे यानी ईद मुबारक की सबको देंगे। उसके बाद फिर सब लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं ईद नमाज के लिए, उसके बाद फिर ईद नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग को यानी कि अलवाल देते रहेंगे कि किस तरह हमारा ईद गुजरेगा आज का। इंशाल्लाह आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। लोग सारे आगे जा रहे हैं और हम लोग सब पैदल जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं, हम लोग भी पैदल जा रहे हैं। तो ये लोग जो है ईद नमाज का तरीका सीख रहे हैं यूट्यूब पर। वाह यार, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों पे। अभी हम सब एक साथ हो गए और वो लोग हमसे आगे निकल गए और हम सब यहाँ पे एक साथ हो गए। अभी ईदगाह भी पहुँचने वाला है, ईदगाह पे पहुँच के फिर आप लोग को इंशाल्लाह अपडेट देंगे। अभी हम ईदगाह पहुँच गए, ये है ईदगाह और सब लोग आए हैं, हम भी आ चुके हैं ईदगाह के लिए। किलोमीटर 50 पैदल करके यहाँ पर आते हैं ईदगाह, यहाँ पर ईद नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर फिर वापस घर के लिए वापसी, यानी 40 किलोमीटर हम पैदल सफ़र करते हैं। और एक तो रास्ता भी ख़राब है और रास्ते में पानी भी नहीं है और नलका वगैरह भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। ये लोग देखे अभी आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ईद नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से इंशाल्लाह। परमेन भाई आप मुबारक, तो सब लोग अभी यहाँ पे ईद मुबारक बशक है भाई, बशक है जुबैर भाई, आपको ईद मुबारक, ईमान सलामत, अपना हक जिना, तुम भी वो पैसे बख्श नहीं बख्शूंगा वो पैकेज वाले, मुबारक मक बख्श देना अपना ईद मुबारक, ईमान ये भी ब्लैक पेन है करीम, फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आ रहा है, फर्स्ट टाइम। जी भाई कहता था कि मुझे अपने व्लॉग्स में नहीं लाओ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया है। और अभी हम लोगों ने ईद नमाज पढ़ा, आप सब लोग को ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। भाई जिसका दिल दुखा है मेरी वजह से, तो माफ़ कर देना भाई जो जो व्लॉग्स देखते हैं ना यार भाई, इधर आपका फाइन बैठा हुआ है, उधर देख ठीक है, ओवर एक्टिंग आपको 50 रुपए देगा, 150 रुपए देगा। तो चलते हैं, करीम भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरा फाइन बैठा हुआ है नेक पर, ये है मेरा फाइन, देख सकते हैं आप लोग। कब दोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेजार किया हुआ है यार, ये मैं नहीं उठाऊंगा, ये मैं नहीं, पर ये करीम को दो, डॉक्टर साहब करीम को ही दी देते हैं। खुशी से ले रहे हैं वो, इस डॉक्टर को शर्म नहीं आता है, तरीके इंसाफ के, साहब का सदर रह चुका है, 10 रुपए दे रहे हैं। अच्छा ये रख लो नसवार, ये भी वापस ले जा रहे हो, दे दो ये भी यार, मैं तो कह रहा हूँ ले लो ना, दे तो लू मैं, वारा नहीं है यार, दे भी नहीं रहा 10 रुपए यार। कसम से डॉक्टर साहब इतने कंजूस होते हैं ना लोगों को, अब्बू से मशवरा करके फिर दूंगा इंशाल्लाह। सवाब मम्मी, आज का व्लॉग जो है बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो अभी हम नमाज पढ़ के ईद मुबारक घर के अभी जा रहे हैं कब्रिस्तान पर, वहाँ पर दुआ पढ़ के फातिहा पढ़कर वहाँ से फिर जाएंगे घर की तरफ, घर वालों को ईद मुबारक करने के बाद, उसके बाद फिर सब लोग जाएंगे बैठक
वहाँ पर यानी सब लोग एक साथ बैठेंगे, या तो घर में बैठेंगे या तो बैठक पर बैठेंगे। तो आप लोग को अपडेट देता रहूँगा मैं इंशाल्लाह। आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा होने वाला है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना इंशाल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग। मिलते हैं आप लोगों से आगे, दुआ पढ़ते हैं। हवा काफ़ी तेज़ है तो शायद मेरी आवाज़ से ज़्यादा हवा का आवाज़ ज़्यादा आ रहा हो। जो है सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, सब फ्री हो चुके हैं, अभी आ चुके हैं बैठक पर। यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं फ़नी एक छोटा सा फ़नी वीडियो बनाऊंगा, तो इसका कंटेंट भी यही है कि ये फ़नी वीडियोस बनाता है। तो फ़नी वीडियो का तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो बना के फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं। मीर अब्दुल कादिर फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आ रहे हैं। तो इसके साथ आप लोग पिक्चर ले लो भाई, मीर साहब आए हैं, मीर अब्दुल कादिर। आप लोग खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से वीडियो बनाता रहूँगा, फिर आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट करते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया शिकारपुर जाने का, तो मामू का पिकअप खड़ा है, इसमें जाएंगे तो अभी इसको निकालते हैं। आप जान से भाई सफाई करो, सफाई करें, जाएंगे बार वो जा रहे दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसा कि आप लोग को बताया था कि शिकारपुर तैयारी है हमारा, लेकिन अभी शिकारपुर तो जाएंगे, लेकिन आज का व्लॉग जो है बहुत ही बड़ा होगा इंशाल्लाह। इसको बनाएंगे पार्ट वन और उसको बनाएंगे पार्ट टू, तो दो पार्ट बनाएंगे इसका इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका तो पार्ट वन ख़त्म हो गया, द एंड स्टार्ट पार्ट टू।